फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स सैप ज्ञान। आज के वीडियो में अकाउंट्स रिकॉन्सिलिएशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज को सीखने से पहले जरूरी है कि उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सही में रिकॉन्सिलिएशन सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। और रिकॉन्सिलिएशन क्या है, रिकॉन्सिलिएशन कितने प्रकार के हैं, मेथड ऑफ रिकॉन्सिलिएशन क्या है और बेनिफिट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन क्या है, और भी बहुत सारे चीज आपके साथ बात करेंगे। तो बिना वक्त जाए किए हुए चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए आज का टॉपिक का हम आप लोग के साथ अब डिस्कस कर रहे हैं। जो आज का जो मेरा टॉपिक है, व्हाट इज द रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन क्या है और कोई भी कंपनी जो है सो क्यों रिकॉन्सिलिएशन करती है, उससे उनको बेनिफिट क्या मिलता है, उसका मेथड क्या है रिकॉन्सिलिएशन करने का, प्लस उनका जो है सो इम्पोर्टेंसी क्या है और उनका वैलिडेशन क्यों करते हैं। और हर कंपनी रिकॉन्सिलिएशन के लिए एक डिपार्टमेंट बना के रखे हैं कि जो उनका जो बिजनेस है उनका किस प्रोसेस के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चेकिंग के लिए वो रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। तो रिकॉन्सिलिएशन इज ए अकाउंटिंग प्रोसेस, ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जो ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो या कंप्लीट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर कंपनी पॉलिसी कर रहे हैं प्रोसेस या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस को या नहीं कर रहे हैं। दूसरा डिस्क्रिपेंसी है, कुछ फाउंड हो रहा है उस या उसका इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है या कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो ये सब कंपनी वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं स्मूथ प्रोसेस करने के लिए। जो अगर कुछ हमारे बिजनेस में इशू है तो उसको ख़त्म करके आगे वो चीज़ ना हो, इसलिए के वो रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। नेक्स्ट है जो टाइप ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन कितने तरह के होते हैं, तो रिकॉन्सिलिएशन जो है पांच तरह के होते हैं। पहला जो रिकॉन्सिलिएशन का स्टेप है वो है कस्टमर रिकॉन्सिलिएशन। अब कोई कंपनी चाहती है कि जो हमारा इस कस्टमर जो है कह रहा है कि जो हमारा फॉर एग्जाम्पल 50,000 बच रहे हैं, कंपनी कह रहा है कि हमारा 70,000 रुपया बच रहे, तो ये जो 20,000 का गैप है वो कहाँ पे है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है तो उसको रिकॉन्साइल करवाती है, कस्टमर का जो डाटा है उसको लेके और कंपनी का जो डाटा है उसको, दोनों को वैलिडेट करके और जहाँ पे गैप है उसको फिर सॉल्व करते हैं, जिससे कि उनका और कस्टमर दोनों का रिलेशन आगे के लिए बना रहे। नेक्स्ट वेंडर रिकॉन्सिलिएशन। अब वेंडर है, वेंडर कह रहा है कि हमारा 1,00,000 रुपया बन रहा है और कंपनी कह रहा है कि नहीं 80,000 बन रहे हैं, तो ये जो 20,000 गैप है वो वेंडर और कंपनी के बीच में कहाँ पे गैप है उसको फाइंड आउट करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन करवाती है कंपनी। नेक्स्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में भी अगर हमने बैंक में हम समझ रहे हैं कि 1,00,000 रुपया मेरा डिपॉजिट है, बैंक का कह रहा है कि जो नहीं 80,000 है, तो 20,000 का कहाँ पे गैप है, क्या कोई पेमेंट बाउंस हुआ है या कोई और इश्यू है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। नेक्स्ट इंटर कंपनी रिकॉन्सिलिएशन। इंटर कंपनी रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, तो एक कंपनी है उसका 10 कंपनी है, अब 10 कंपनी के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बैठा रखा है रिकॉन्सिलिएशन के लिए, तो वो क्या करते हैं इंटर कंपनी सबका रिकॉन्साइल करवाती है, तो उसी के अंदर में इंटर कंपनी रिकॉन्सिलिएशन होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिकॉन्सिलिएशन। तो प्रोजेक्ट बेस, अब कंपनी चाहती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है इसमें क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, इस सारे चीज को वो वैलिडेट करने के लिए रिकॉन्सिलिएशन करवाती है, तो उसी को कहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिकॉन्सिलिएशन।
तो ये टाइप ऑफ रिकॉन्सिलेशन है। इससे ज्यादा जानकारी के लिए हम सब सेपरेट वीडियो बनाएंगे, प्लीज इस पे आप लाइक शेयर करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो आपको कस्टमर वेंडर बैंक सबका सेपरेट सेपरेट एक पूरा बाय प्रोसेस कैसे बनाते हैं वो हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे वीडियो। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिकॉन्सिलेशन, तो हम जो रिकॉन्सिलेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो जैसे पहले दो तरह से करते हैं। पहले जो करते थे वो मैनुअल रिकॉन्सिलेशन करते थे, तो उसमें क्या था, तो बहुत टाइम लगता था, बहुत लेंदी प्रोसेस था और उसमें टाइम लगता था और डाटा भी पूरा 100% वैलिडेटेड नहीं होता था, एक्यूरेट नहीं था, एरर बहुत होता था उसमें। तो इसलिए कि आज के डेट में जो है सो मैनुअल नहीं के बराबर करते हैं हर कंपनी वाले या इंडिविजुअल। तो सेकंड जो है सो सैप या कस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड रिकॉन्सिलेशन। अब जो छोटी छोटी कंपनी है वो अपना काम के अनुसार अपना कस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है, उससे रिकॉन्सिलेशन करते हैं, लेकिन जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है या MNC है वो सारे SAP यूज करते हैं। SAP यूज करते हैं, उसके साथ क्या है, तो उनका डाटा जो है सो पूरा ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई ये नहीं है कि जो कोई खत्म कर सकता है, लेकिन कस्टम में आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप करेंगे वो डाटा सारे रिकॉर्डेड रहता है, रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए आर प्लस 100% डाटा आपको अवेलेबल है आपके पास, हर चीज पेमेंट है, रिसीट है, बिलिंग है, जो भी है वो सारे डाटा आपके साथ है। तो इसमें सैप बेस में क्या होता है, तो टाइम बहुत कम होता है और डाटा एक्यूरेट होता है। तो इसलिए कि आज के डेट में सब टेक्नोलॉजी बेस रिकॉन्सिलेशन करते हैं, जिससे कम टाइम में और 100% एक्यूरेट डाटा मिलता है और वैलिडेटेड डाटा मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन जो कराती है कोई कंपनी और डिपार्टमेंट बना के रखते हैं, इसलिए कि उनको क्या, इससे क्या बेनिफिट है, इनका इम्पोर्टेंसी क्या है। तो ये कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस अपने अकाउंट्स को ट्रैक में के ऑर्डर में रखने के लिए रिकॉन्सिलेशन करवाती है, या उसमें कोई फ्रॉड एक्टिविटी है तो वो सबको फाइंड आउट करने के लिए रिकॉन्सिलेशन करवाते हैं। फिर जो है इसमें, या कोई आदमी फ्रॉड किया है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है उसको फाइंड आउट करके फिर उनका साइन ऑफ कॉपी लेके और वो अपने हेड ऑफिस को शेयर करते हैं कि ये इन्होंने ये गलत किया है और इनका ये डाटा हमारे पास है प्रूफ, ये हम आपके साथ लें, इस पे आप एक्शन लें। या ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत सारे एंट्री इसमें नहीं हुआ है SAP में, या हो सकता है कि जो पेमेंट नहीं चढ़ाया, गलत चढ़ा दिया, तो ये सबको फिर वो करेक्ट करते हैं रिकॉन्सिलेशन के थ्रू, फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको रिकॉन्सिलेशन के थ्रू फिर उनसे करेक्ट करवाते हैं और अपना अकाउंट्स को जो है सो 100% वैलिडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैलिडेट SAP वर्स कैश वर्स CRM। अब बहुत सारे कंपनी है, उनका जो बहुत सारे पार्टनर हैं उनके साथ क्या होता है, सबका अपना अपना CRM होता है। तो अब उनको क्या होता है, तो अगर CRM है तो उसमें ये दिए कि हमने इस कंपनी को 100 कॉल दिया है, तो 100 कॉल का जो है वैल्यू अगर 1,00,000 रुपया बनती है, तो उनको ये पता हो गया कि हमारा इस एक महीने में 100 कॉल हुआ, 1,00,000 रुपया का वैल्यू हुआ। तो अब वो ये चेक करती है कि जो हमारा जो ये कॉल 1,00,000 रुपये का हुआ, 100 कॉल हुआ था, वही हमारा जो है सो SAP में बिलिंग हुआ है कि नहीं, उतना ही पैसे का, उतना कॉल का हमारा उसमें रिसीट हुआ है SAP में कि नहीं हुआ है, बैंक पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस चीज को वो तीनों का वैलिडेट करते हैं कि सबका सेम है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करवाते हैं, या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको पनिशमेंट करते हैं। तो इसलिए के कंपनी रिकॉन्सिलेशन करवाती है, और रिकॉन्सिलेशन जो है बहुत ही कंपनी का इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के डेट में, हम लोग इसलिए के इसको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है, और हर कंपनी इसलिए के इसको सबसे ज्यादा प्रिफरेंस देती है।
like, share and subscribe for next video.